भक्त राजा चित्रकेतु। प्राचीन काल में सूरसेन नामक देश में चित्रकेतु नामक सार्वभौम सदाचारी भगवत भक्त राजा राज्य करते थे। राजा बुद्धि, बल, विद्या, श्री कीर्ति, उदारता, ऐश्वर्य, रूप लावण्य आदि से संपन्न थे। पृथ्वी कामधेनु की भांति उन्हें मन इच्छित वस्तु देती थी। उनके बहुत सी रानियां थी, परंतु संतान नहीं थी। राजा बुद्धिमान होने पर भी मोहवश संतान के अभाव से सदा दुखी रहा करते थे। एक बार पर दुख कातर और परोपकार परायण अंगीरा ऋषि सदाचारी और भगवान के भक्त राजा पर अनुग्रह करके उन्हें भगवान मार्ग पर सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजा के यहां पधारे। परंतु राजा को पुत्र के अभाव में दुखी देखकर उन्होंने ज्ञानोपदेश न देकर त्वष्टा देवता का यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ण होने पर यज्ञावशेष अन्न राजा को देकर कहा कि यह अन्न अपनी रानी को खिला दो, इससे तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा और उससे तुम्हें हर्ष शोक दोनों ही मिलेंगे। ऋषि ने सोचा कि भगवत भक्ति और सदाचार होने पर भी राजा के मन में अभी पुत्र का मोह है। जब तक यह पुत्र प्राप्ति के अनंतर पुत्र से होने वाले दुख को न देखेगा, तब तक इसका मोह दूर होना कठिन है। इसलिए अभी ज्ञानोपदेश न करके उन्होंने यज्ञ करा के राजा के पुत्र की कामना पूरी की। तदंतर भी वहां से चले गए। राजा ने वह अन्न अपनी सबसे बड़ी और श्रेष्ठ रानी कृत द्युति को दिया और रानी ने उसे भोजन करके राजा से गर्भ धारण किया। समय पूरा होने पर बालक उत्पन्न हो गया। राजकुमार के जन्म से राजा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। सारे राज्य में आनंद बधाइयां बटने लगी। परंतु राजा की दूसरी रानियों को बड़ा संताप हुआ। वे सब कृत द्योति को पुत्र प्राप्त हुआ देखकर जलने लगी और उन्होंने सौतिया डाह से विवेक को खोकर विद्वेषवश राजकुमार को जहर दे दिया। राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजा और रानी कृतद्युति दुख सागर में डूब गए। राजा सिर पीट पीट कर रोने लगे। यहां एक तो एक सीखने की बात है कि एक से अधिक विवाह करने से इस प्रकार अनर्थ की संभावना रहती ही है। राजा दशरथ के मरण और श्री राम के वनवास में भी लौकिक दृष्टि से यह सौतिया डाह ही प्रधान कारण था। अतः पुरुषों को एक स्त्री रहते दूसरा विवाह भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि संसार के तमाम विषय वियोगशील और दुख मिश्रित हैं। जिस वस्तु की प्राप्ति में जितना सुख होता है, उसके नाश होने पर उतना ही अधिक दुख होता है। राजा चित्रकेतु को पुत्र की प्राप्ति होने पर जितना सुख हुआ था, उससे अनंत गुना अधिक दुख पुत्र की मृत्यु पर हो रहा है। राजा और रानी दोनों तरह तरह के विलाप करके अति संताप से बहुत ऊंचे खर से ढाह मारकर रो रहे हैं। उन दोनों स्त्री पुरुषों के विलाप को सुन सुनकर आसपास के सभी स्त्री पुरुष दुखी होकर रोने लगे। राजा चित्रकेतु को ऐसी विपत्ति में पड़ा देखकर महर्षि अंगीरा और देवर्षि नारद दयावश वहां आ पहुंचे। वे राजा को मृत बालक के पास मुर्दे की भांति अचेत पड़े हुए देखकर नाना प्रकार की युतियों से उन्हें समझाने लगे। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम जिसके लिए इतना शोक कर रहे हो, रो रहे हो, बताओ तो सही, वह तुम्हारा कौन है? इस जन्म से पहले तुम इसके कौन थे और अब आगे कौन होगे? तुम यह निश्चय रूप से समझ लो कि जैसे जल के प्रवाह से एक जगह का बालू अलग अलग कई जगह बह जाता है और दूर दूर से आ आकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ऐसे ही नियंत्रणकर्ता काल के द्वारा सब देहधारियों का अपने अपने कर्मवश कभी संयोग और कभी वियोग हुआ करता है। यह पिता पुत्र का संबंध आरोपित है, लेकिन कल्पना मात्र है।
हमारे और तुम्हारे ये शरीर न जन्म के पहले थे न मृत्यु के बाद रहेंगे। इस समय भी वास्तव में सत नहीं है, अतः इव शरीर के नाश से तुम शोक ना करो। ऋषियों के वचन सुनने से राजा को कुछ सांत्वना मिली और वह उठकर आंसू पोंछकर कहने लगे, हे महात्माओं, आप दोनों कौन हैं? आप बड़े ही ज्ञानी और महात्माओं में भी महात्मा हैं। मुझ सरीखे विषयों में फंसे हुए लोगों को ज्ञान देने के लिए आप सरीखे भगवत प्रिय सिद्ध महात्मा निस्वार्थ भाव से अवधूत वेश धारण किए पृथ्वी में घूमा करते हैं। मैं ग्राम में पशु के समान मूढ़ बुद्धि हूं, घोर अंधकार में डूब रहा हूं। आप दोनों महात्मा ज्ञान रूपी दीपक जलाकर मुझको बचाइए। राजा के ऐसे वचन सुनकर महर्षि अंगीरा ने कहा, हे राजन, मैं वही अंगीरा हूं जिसने तुम्हारी प्रबल इच्छा देखकर तुम्हें यह पुत्र दिया था, और मेरे साथ ये महात्मा ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी हैं। हमको यह पता लगा कि इस समय तुम पुत्र शोक से दुस्तर अज्ञान के समुद्र में डूब रहे हो। तुम भगवान के भक्त और ब्रह्मणेय हो। तुम्हारे लिए इस तरह मोह में निमग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे इस मोह का नाश करने के लिए ही हम दोनों यहां आए हैं। हे राजन, मैं जब पहले आया था तभी तुम्हें ज्ञानोपदेश करने का मेरा विचार था, परंतु उस समय तुम्हें पुत्र प्राप्ति के मोह में पड़े देखकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुमको यह अच्छी तरह अनुभव हो रहा है कि जिनके पुत्र है उन गृहस्थों को कितना संताप होता है। जब से पुत्र प्राप्ति की इच्छा मन में जागृत होती है तभी से दुख का आरंभ हो जाता है। पहले अभाव का दुख रहता है, गर्भाधान हो जाने पर 10 महीने तक माता को नाना प्रकार के दुखों का सहन करना पड़ता है। प्रसव काल की पीड़ा तो असहनीय होती है। बच्चे का जन्म होने पर उसके लालन पालन में माता पिता को महान कष्ट होते हैं, परंतु मोहवश वे माता पिता इस कष्ट में सुख का स्वप्न देखते हैं। तदंतर जब वियोग होता है, पुत्र को छोड़कर मरना पड़ता है अथवा पुत्र पहले मर जाता है, तब तो दुख का कोई पार ही नहीं रहता। आज तुम भी इसी दुख से ग्रसित हो रहे हो। यह निश्चय समझो कि स्त्री धन घर ऐश्वर्य और नाना प्रकार की संपत्तियां, ये सभी वस्तुएं मोह के कारण इसी प्रकार जीव को संताप देने वाली है। शब्दादि विषय राज्य धन पुत्र स्त्री स्वामी आदि सभी चीजें अनित्य और क्षण भंगुर है। ये पृथ्वी राज्य बल खजाना भृत्य दीवान सुहृद मित्र आदि सभी शोक मोह भय और पीड़ा देने वाले तथा गंधर्व नगर की भांति बिना ही हुए नेत्र दोष से आकाश में दिखने वाले पदार्थों की भांति जरा जरा सी देर में दिखने वाले और नष्ट होने वाले हैं। ये सभी स्वप्न या माया मनोरथ के सदृश असत हैं। हे राजन, ये सभी दृश्य पदार्थ मनोकल्पित हैं, यथार्थ नहीं हैं, क्योंकि अभी दिखते हैं और दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार ही ये सुख दुखदायी दिखाई देते हैं। यह द्रव्य ज्ञान और क्रियात्मक शरीर ही शरीराभिमानी जीवों को नाना प्रकार के संताप देने वाला है। इसलिए एकाग्रचित से तत्व का विचार करो और एक सत्चित आनंद घन परमात्मा को छोड़कर और सभी वस्तुओं को असत समझकर शांति धारण करो। तदंतर देवर्षि नारद जी ने शोक से व्याकुल राजा को सांत्वना देने के लिए राजकुमार के जीवात्मा का आवाहन कर उसे जीवित किया और कहने लगे, हे जीवात्मा, देखो तुम्हारे माता पिता और बंधु बांधव तुम्हारे लिए रो रहे हैं। तुम इनके पुत्र और बंधु हो, इनके पास क्यों नहीं रहते? जीवात्मा ने कहा, ये किस किस जन्म में मेरे माता पिता हुए थे?
मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए देवता, मनुष्य, पशु आदि अनेकों योनियों में भ्रमण कर रहा हूं। जीव परस्पर में कभी भाई, कभी पिता, कभी पुत्र, कभी मित्र, कभी शत्रु, कभी जातीय, कभी विजातीय, कभी रक्षक, कभी विनाशक, कभी आत्मीय, कभी उदासीन बनते रहते हैं। यहां कौन किसका अपना और यथार्थ संबंधी है? ये लोग मुझे पुत्र मानकर रोने के बदले शत्रु समझकर खुशी क्यों नहीं मनाते? जैसे खरीद बिक्री की सोना चांदी आदि चीजें खरीदने बेचने वाले व्यापारियों के पास जाती आती रहती है, इसी प्रकार जीव भी नाना प्रकार की योनियों में जनता मरता है। यहां घर, स्त्री, पुत्र आदि का कोई भी संबंध सच्चा और स्थायी नहीं है। जितने दिन जिसके साथ जिसका संबंध रहता है, उतने दिन उसका उस पर मेरापन रहता है। आत्मा नित्य शुद्ध है, परंतु जितने काल तक वह शरीरस्थ होकर जिसके पास रहता है, उतने काल तक उस जीवात्मा पर उसका स्वत्व रहता है। आत्मा वास्तव में न कभी मरता है न जन्मता है। आत्मा नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, सर्वाधार और स्वयं प्रकाशित है। वस्तुतः श्री भगवान ही अपनी माया के गुणों द्वारा विश्व रूप में प्रकट होते हैं। आत्मा के लिए कोई अपना पराया या प्रिय अप्रिय नहीं है, वह एक है। और हित तथा अहित करने वाले मित्र, शत्रु आदि नाना प्रकार के बुद्धियों की साक्षी मात्र हैं। आत्मा साक्षी रूप से सदा उदासीनवत रहता है। वह किसी भी संबंध तथा गुण दोषों को ग्रहण नहीं करता, अतएव इनका पुत्र शोक से व्याकुल होना मोहजनित है। आत्मा कभी भी मरता नहीं और शरीर नित्य रहता नहीं, फिर ये किस लिए रो रहे हैं? राजपुत्र का जीवात्मा इतना कहकर चला गया। उसकी बातों से सबका मोह बंधन टूट गया। मृत देह का अंत्येष्टि संस्कार किया गया। बालक को मारने वाली रानियां भी इन बातों को सुन रही थी। जब उन्होंने जाना कि पुत्रादि सब दुख के ही कारण हैं, तो वे बहुत ही लज्जित हुई और उन्होंने यमुना तीर पर जाकर अपने पाप का प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेतु भी जीवात्मा और ऋषियों के वचनों से शोक, मोह, भय और क्लेश देने वाले और कठिनता से छूटने वाले घर के स्नेह को छोड़कर जैसे हाथी तालाब की कीचड़ से निकलता है, वैसे ही गृह रूपी अंधेरे कुएं से बाहर निकल आए और यमुना तट पर जाकर विधिपूर्वक स्नान और तर्पण आदि करके मननशील और जितेंद्रिय होकर महर्षि अंगीरा और देवर्षि नारद जी से भगवत पद प्राप्ति का सरल साधन पूछने लगे। भक्त, जितेंद्रिय और शरणागत राजा चित्रकेतु को अधिकारी जानकर भक्तराज देवर्षि नारद जी ने उन्हें स्तुति विद्या बतलाकर कहा कि तुम बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर से संयत होकर इस परम कल्याणकारी मंत्र को ग्रहण करो। श्रद्धा, भक्ति और शरणागति पूर्वक 7 दिन तक इसका अनुष्ठान करने से तुम्हें प्रभु संकर्षण देव के दर्शन होंगे और हे नरेंद्र, बड़े बड़े देवगण जिन प्रभु के चरण मूल का आश्रय ली द्वैत भ्रम से छूटकर शीघ्र ही जिस अतुलनीय महिमा को प्राप्त हुए हैं, तुम भी उसी को प्राप्त हो जाओगे। वह स्तुतिमय विद्या यह है। जो भी श्लोक लिखा हुआ है आप स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं। हे भगवान, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण रूप से विराजमान आपको मैं शुद्ध मन से नमस्कार करता हूं। हे विज्ञान घन, आप परमानंद स्वरूप हैं, आत्मा राम हैं, शांत हैं, द्वैत दृष्टि आपसे दूर रहती है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आप आत्मानंद के अनुभव से माया रचित प्रपंच आदि तरंगों को निरस्त करते हैं। आप इंद्रियों के स्वामी और महान हैं, आप ही विश्व रूप से प्रकट हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे परमात्मन, मन सहित समस्त इंद्रियां आपके स्वरूप तक न पहुंचकर
उपराम हो जाती है। आप सत और असत से परी नाम रूप रहित अकेले ही चित्त स्वरूप है, आपके सिवा और कुछ है ही नहीं। आप हमारी रक्षा कीजिए। यह कार्य कारण रूप जगत जिसमें अवस्थित है, जिससे उत्पन्न होता है और जिसमें लय हो जाता है, जो मिट्टी से बने हुए घड़े आदि पदार्थों में मिट्टी के समान सर्वत्र व्याप्त है, उन ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूं। आकाश की भांति भीतर और बाहर सर्वत्र सदा व्याप्त रहने पर भी मन, बुद्धि, इंद्रियां और प्राण, जिनको स्पर्श नहीं कर सकते, उन विभु भगवान को मेरा नमस्कार है। देह, इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि, ये सब चैतन्यानंद से युक्त होते हैं, तभी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। जिस समय चैतन्य का संबंध नहीं रहता, उस समय ये वैसे ही क्रिया शून्य रहते हैं, जैसे अग्नि में बिना तपाया हुआ लोहे का गोला जला नहीं सकता। वह चैतन्य ही सबका साक्षी है। उस साक्षी स्वरूप को जानने से ही जीव का कल्याण होता है। उन महापुरुष, महानुभाव, महाविभूतिपति भगवान को नमस्कार है। महान श्रेष्ठ भक्तगण निरंतर अपने कर कमलों की कलियों से आपके दोनों चरणों की सेवा करते हैं। ही सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा शरणागत चित्र केतु को इस स्तुतिमय विद्या का उपदेश करके ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने नारद जी के उपदेशानुसार 7 दिनों तक केवल जल पर रहकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से उपर्युक्त विद्या का जाप किया। 7 रात्रि बीतने पर इस विद्या के प्रभाव से राजा चित्रकेतु विद्याधरों के स्वामी हो गए। फिर कुछ दिनों में ही उसी विद्या के बल से राजा मनोगति के अनुसार देवाधिदेव भगवान के शेष स्वरूप के चरणों में जा पहुंचे। वहां जाकर राजा ने देखा कि भगवान संकर्षण, सनत कुमार आदि सिद्धीश्वर महात्माओं से घिरे बैठे हैं। उनका वर्ण कमल की नाल के समान गौर है। वह नील वस्त्र धारण किए दीदीप्यमान, किरीट, केयूर, कटिशूत्र और कंकण आदि से सुशोभित हैं। उनका मुख प्रसन्न और नेत्र लाल हैं। इस प्रकार शेष रूप में सर्वेश्वर भगवान के दर्शन करते ही राजा के सब पाप नष्ट हो गए और उनका अंतःकरण स्वस्थ और निर्मल हो गया। प्रेमावेश से शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे और वाणी रुक गई। तदंतर राजा ने आदि पुरुष भगवान संकर्षण को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। राजा ने स्तुति करना आरंभ किया, परंतु प्रेमावेश से उनके कंठ रुक गए। बहुत देर तक स्तुति नहीं की जा सकी और वे पवित्र कीर्ति भगवान के चरणार प्रांत को प्रेमाश्रुओं की बूंदों से सींचने लगे। कुछ देर के अनंतर जब कुछ बोलने की शक्ति आई, तब राजा ने एकाग्र चित से शास्त्रानुसार जगत गुरु परमेश्वर की स्तुति की। स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान अनंत विद्याधरपति राजा चित्रकेतु से कहने लगे, हे राजन, नारद और अंगिरा ने मेरे संबंध में तुमको जिस विद्या का उपदेश दिया, उसी के प्रभाव से तुम मेरे दर्शन पाकर संपूर्ण रूप से सिद्ध हो गए हो। मैं ही समस्त भूत प्राणी हूं, मैं ही उनका आत्मा और उत्पन्न करने वाला हूं। देखो, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों मेरे ही नित्य स्वरूप हैं। लोक में आत्मा सत्य रूप से और आत्मा में लोक आरोपित रूप से व्याप्त है, और मैं दोनों में ही करुण रूप से व्याप्त हूं। ये दोनों मुझ में ही रचित हैं। जैसे सोया हुआ मनुष्य सपने में नाना प्रकार की वस्तुओं को देखता और अपने को विश्व के एक देश में स्थित जागता हुआ मानता है, ऐसे ही प्रत्यक्ष जागना भी जीव की उपाधिभूत बुद्धि की एक अवस्था विशेष है और वह माया से ही आत्मा में कल्पित है। यह जानकर आत्मा को उन अवस्थाओं का साक्षी और उनसे रहित समझो। सोया हुआ पुरुष सुसुप्ति अवस्था में जिसके द्वारा गाढ़ निद्रा को और अतिंद्रिय सुख को जानता है, वह आत्मा रूप ब्रह्म में ही हूं।
हे राजन, निद्रा और जागरण इन दोनों अवस्थाओं का अनुसंधान करने से जो पुरुष इन दोनों में ज्ञान के प्रकाश रूप से स्थित है और दोनों से अलग है, वही परम ज्ञान है और वही ब्रह्म है। इस दृष्टा रूपी ब्रह्म स्वरूप को भूलकर ही जीव आत्मा से अलग हो जाता है और इसी से बार बार जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति होती है। इस मनुष्य शरीर में ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति होती है, जो इस मनुष्य देह को पाकर भी आत्मा को नहीं जानता उसका किसी भी योनि में कल्याण नहीं होता। विषयों में प्रवृत्ति से ही क्लेश और उल्टा फल होता है। विषयों से निवृत्त होने में कोई डर नहीं है, अतएव बुद्धिमान पुरुष को विषयों से निवृत्त होना चाहिए। जगत में स्त्री पुरुष सभी सुख की प्राप्ति और दुखों के नाश के लिए नाना प्रकार के कर्म किया करते हैं, परंतु उन कर्मों से न तो उनको सुखे मिलता है और न दुखी दूर होते हैं। इस प्रकार कर्मों में लगे हुए अपने को बुद्धिमान और विज्ञ समझकर अभिमान करने वाले पुरुषों को सुख न मिलकर दुखी मिला करता है। आत्मा की सूक्ष्म गति, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे हैं, ऐसा समझकर विवेक के द्वारा इस लोक और परलोक के विषयों से चित्त को हटाना चाहिए और ज्ञान विज्ञान के द्वारा संतुष्ट होकर मनुष्यों को मेरी भक्ति करनी चाहिए। योग मार्ग में निपुण बुद्धि वाले मनुष्यों को यह बात भली भांति जान लेनी चाहिए कि एक ही परमात्मा सब स्थानों में सदा सर्वदा व्याप्त है, वही सब कुछ है। हे राजन, तुम यदि सावधान होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस उपदेश को ग्रहण करोगे तो शीघ्र ही ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर तुम मेरे स्वरूप की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को पा जाओगे। जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्रीहरि इस प्रकार चित्र केतु को आश्वासन देकर उनके देखते ही देखते वहां से अंतर्धान हो गए। अब राजा चित्रकेतु सम दृष्टि को प्राप्त होकर द्वंद रहित हो गए। वे कामना, स्प्रिहा, ममता और अहंता का त्याग कर नित्य परमात्मा में संयुक्त हुए। तपोबल से 14 भुवनों में इच्छा अनुसार विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने तेजोमय विमान पर चढ़े हुए आकाश मार्ग से गमन करते समय मुनियों की सभा में भवानी को भगवान शंकर जी की गोद में बैठे देखा। चित्रकेतु को यह व्यवहार विपरीत मालूम हुआ। उन्होंने इसकी कुछ कटु आलोचना की। इस पर भगवान शंकर तो हंस दिए, परंतु भवानी जी से नहीं रहा गया। उन्होंने यह सोचकर कि यह बहुत अविनीत हो उठा है, अतः भगवान के चरणों में रहने लायक नहीं है, चित्रकेतु को श्राप दे डाला कि तू जाकर असुर योनि में जन्म ग्रहण कर। श्री सती जी के श्राप को सुनकर यद्यपि राजा चित्रकेतु को कुछ भी शोक नहीं हुआ, क्योंकि वह सर्वत्र सब समय भगवान को देखते थे। इससे उन्होंने समझा कि असुर योनि में भी मेरे भगवान तो मुझसे अलग नहीं होंगे, फिर क्या चिंता है। तथापि शिष्ट व्यवहार के अनुसार भवानी जी से क्षमा मांगने के लिए वे विमान से उतरकर सती के चरणों पर गिरकर नम्रतापूर्वक उनसे बोले, माता जी, आपने कृपा करके जो श्राप दिया उसको मैं सादर स्वीकार करता हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि देवगण जो कुछ मनुष्यों के लिए कहते हैं सो उनके कर्मानुसार ही कहते हैं। अज्ञान से मोहित होकर प्राणी इस संसार चक्र में घूमता हुआ सदा और सर्वत्र सुख दुख भोगता ही रहता है। इस गुण के प्रवाह रूप संसार में शाप वरदान, स्वर्ग नरक और सुख दुख वस्तुतः कुछ भी नहीं है। हे देवी, स्वयं बंधन आदि से रहित एक परमेश्वर ही अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों को रचते और उनके सुख दुख और बंधन मोक्ष की व्यवस्था करते हैं। हे माता, उन ईश्वर का ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, ना अपना है ना पराया, ना कोई जाति वाला है ना बंधु है, वह सर्वत्र समान और असंग है। उन भगवान को जब सुख में प्रीति नहीं है तब क्रोध कहाँ से होगा। तथापि उनकी माया से जीव जिन पुण्य पाप रूप कर्मों को करता है वे ही उसके सुख दुख, हित अहित, बंधन मोक्ष, जन्म मृत्यु
और संसार के कारण होती हैं। हे देवी, मैं साप से छूटने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूं। मेरे जो शब्द आपको बुरे लगे हैं, उन्हीं के लिए आप मुझ पर क्षमा कीजिए। इस प्रकार कहकर शिव सती को प्रसन्न करके राजा चित्रकेतु सबके सामने ही विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग से चले गए। उनकी ऐसी स्थिति देखकर वहां बैठे हुए सभी लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर श्री शिव जी ने भक्तों की प्रशंसा करते हुए सबके सामने सती जी से कहा, हे सुश्रोणी, देखा तुमने, अद्भुत कर्मा भगवान श्री हरि के दासानुदास निस्पृह महात्माओं का महात्म्य, भगवान नारायण के परायण हुए भक्तगण किसी से कहीं भी नहीं डरते। वे नित्य निर्भय हुए स्वर्ग, नरक और मोक्ष में समदृष्टि रखते हैं। हे देवी, भगवान की लीला से ही जीवों को देह की प्राप्ति होकर उसमें सुख दुख, जन्म मरण और साप अनुग्रह हुआ करते हैं, और उनमें जैसे स्वप्न में मनुष्यों को सुख दुख होता है अथवा रस्सी में जैसे सर्प का भ्रम होता है, वैसे ही अज्ञान से इष्ट अनिष्ट का बोध होता है। भगवान वासुदेव में भक्ति करने वाले ज्ञान और वैराग्य के बल से संपन्न पुरुष किसी भी सांसारिक पदार्थ को यह अच्छा है ऐसा समझकर उसका आश्रय ग्रहण नहीं करते। मैं सनत कुमार, नारद, मरीचि आदि ब्रह्मा के पुत्र महर्षिगण, इंद्र आदि देवता भी जब परमेश्वर की लीला के रहस्यों को उनकी कृपा बिना नहीं समझ पाते, तब तो लोग उनके अंश के भी अंश हैं। वे अपने को अलग अलग ईश्वर मानकर अभिमान करने वाले लोग उनके अनुरूप को कैसे जान सकते हैं? उन श्रीहरि के कोई भी प्रिय अप्रिय या अपना पराया नहीं है, तथापि वह सब प्राणियों की आत्मा होने के कारण सब प्राणियों के प्रिय हैं। हे सती, यह महाभाग चित्रकेतु उन्हीं भगवान का प्यारा भक्त, भगवान की रुचि के अनुसार चलने वाला, शांत और सर्वत्र समदृष्टि है। मैं भी उन्हीं अच्युत का प्रिय हूं, इसी कारण मुझको उस पर क्रोध नहीं हुआ। अतएव इस प्रकार के शांत, समदृष्टि, भगवत भक्त महात्मा पुरुषों के आचरण देखकर आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। भगवान श्री शिव जी के वचन सुनकर देवी का विस्मय दूर होकर उनका चित शांत हुआ। उल्टा साप देने में समर्थ होने पर भी भागवत भक्त चित्रकेतु ने शांत भाव से बिना किसी हर्ष विषाद के देवी के शाप को सिर चढ़ा लिया। यही तो उनकी साधुता है। इसी शाप के कारण चित्रकेतु अगले जन्म में त्वष्टा की दक्षिणाग्नि में उत्पन्न होकर वृत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए और निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान में चित्त लगाए हुए अंत में भगवान को प्राप्त हो गए। तो प्रेम से बोलिए, भक्त और उनके भगवान की जय।